बिलाल को देखें वो कैसे आ रहा है। बिलाल बच्चों की तरह क्यों आ रहे हैं भाई? हाँ इतना मुश्किल तो नहीं है जितना आपको लग रहा है, बहुत इजी है, आराम से आ जाओ भाई। हाँ ट्राई करो। फर्स्ट टाइम आए हो तभी तो ये इसका मूवीज में इसका रिकॉर्ड हुआ है, रिकॉर्ड हुआ है। एक आई थिंक एक बीच, ये बीच वहाँ पे भी है मुंबई में, दूसरा ये पाकिस्तान में यहाँ पे है कराची में जो अभी हम यहाँ पे मौजूद हैं, चाइना पोर्ट के सामने है ये। इसको वैसे चाइना पोर्ट ही बोला जाता है, इसको ये चाइना पोर्ट के नाम से ही मशहूर है ये वाला बीच, क्योंकि वो सामने इसके ना चाइना पोर्ट ही है। आई थिंक हमने आधा किलोमीटर भी नहीं तय किया है और बहुत थक गए, शदीद हाइकिंग से ज़्यादा बहुत थका देने वाला काम है ये। और समझे कि हमारा वर्कआउट हो गया एक्सरसाइज। इतने टाइम के बाद हमने एक्सरसाइज नहीं की थी, वो हमारा आज वर्कआउट पूरा हो गया। तो गाइस आज मैं कराची में, ये बीच है चाइना पोर्ट के नाम से मशहूर है, दो टाइम पहले मैं आ चुका हूँ यहाँ पे और ये मेरा तीसरा काम है। तो बिलाल के हिसाब से मैं सही चल रहा था यहाँ पे। क्यों बिलाल आपका एक्सपीरियंस है ना यहाँ, आपको पता है कि भाई थोड़ा बहुत मेरा एक्सपीरियंस है। और ये आप देख रहे हो ये ब्लॉक है, कंक्रीट के बने हुए हैं, पत्थर नहीं है और बहुत स्मूथ है इस वजह से। और मुन्ना भाई आप सबने देखी होगी फिल्म मुंबई में जो उसका एक सीन है वहाँ पे, बल्कि काफ़ी बहुत सारी फिल्मों का सीन है उन्होंने उस फिल्म में उन्होंने दिखाए हैं ये सेम ऐसे ही ब्लॉक वहाँ पर भी रखे हुए हैं। तो मैंने सोचा आज हम जाएँ वहाँ पर एक व्लॉग शूट करें और आप दोस्तों के साथ भी शेयर करें कि ये चाइना पोर्ट कैसा है देखने में और एक इस जगह पे है। जहाज भी दिखाए हैं। हाँ जहाज़ हम आपको दिखाएंगे मगर वो नज़र नहीं आ रहे, लोडेड जहाज़ हैं सारे, अगर ये कैमरा में आएंगे तो हम आपको दिखा रहे हैं। और इस तरफ कुछ दोस्त हैं जो फिशिंग कर रहे हैं यहाँ पे, और इस तरफ ये पानी का दबाव बहुत कम है, पता नहीं क्या यहाँ से निकल रहा है, सिप्पियाँ वगैरह वो भी लोग उठा रहे हैं वहाँ से आगे, वो सामने पोर्ट है चाइना पोर्ट, तो उस वजह से ये चाइना बीच और चाइना पोर्ट दोनों इसको बोला जाता है, बहुत टूरिस्ट प्लेस है। दो साल पहले एक साल पहले मैं जब यहाँ पे आया था बहुत शदीद किस्म का रश, यहाँ पे कोई जगह नहीं थी कि हम बैठ सकें, इतना रश था। फिर कोविड की वजह से यहाँ पे बैन लग गया, अभी आज इतना कोई ख़ास रश नहीं है, बहुत ही कम लोग आए हुए हैं। तो मज़े की बात है, सुकून से हम घूम रहे हैं यहाँ पे और शूट कर रहे हैं व्लॉग को, वरना रश में वो इतना ख़ास मज़ा नहीं आता शूटिंग करने में। अगर इसका जो बेहतरीन लोग नज़र आएगा ना वो या तो ऊपर चढ़ के बंदा शूट करे वो जो टावर लगे हुए हैं, यहाँ ड्रोन हो आपके साथ, कमाल का व्यू आएगा यहाँ पे, ऐसा व्यू आएगा आपकी सोच है। मगर क्या करें हमारे पास ड्रोन नहीं है, सिर्फ ये गोप्रो है, बजट नहीं है इतना हमारे पास, बजट नहीं है। इंशाल्लाह लेंगे, ज़रूर लेंगे, फिर आएंगे दोबारा, आएंगे दोबारा शूट करेंगे और वो ड्रोन शॉट जो होंगी वो आपको ज़रूर हम दिखाएँगे। मौसम बहुत ज़बरदस्त है, बैठने के लायक है, आप इंजॉय कर सकते हो यहाँ पर। कराची का मौसम वैसे भी अच्छा होता है, मैं गांव में था तो वहाँ पे बहुत गर्मी थी, यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त है। तो आएँ यहाँ पे, आप भी घूमें इसको, थोड़ा एंजॉय करें, बेहतरीन प्लेस है कराची में, फर्स्ट टाइम ये ऐसा इन्होंने बनाया है बीच। गाइस ये था आज हमारा व्लॉग जो हम चाइना पोर्ट पे गए हुए थे, अभी हम बहुत थक गए हैं और यही सोचा है कि हम यहाँ सामने क्लिफ्टन में जाके पानी पिए और जूस वगैरह लें। गाइस चाइना पोर्ट के बाद हम यहाँ पे आए क्लिफ्टन में, एक छोटा सा ढाबा है मतलब उसके सामने, क्योंकि चाइना पोर्ट गए थे हमें पानी वहाँ पे लेके जाना चाहिए था, वहाँ पे हमने नहीं लिया, तो अभी प्यास और जदीद किस्म की प्यास लगी है और थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, बहुत थक गए थे वहाँ पे।
आपने देखा होगा कि हमने और बिलाल ने वो की थी हाइकिंग की थी एक किस्म की। तो अभी पानी पीते हैं और यहाँ पे थोड़ा रिफ्रेशमेंट करते हैं, जूस वगैरह लेते हैं और आगे कोई प्लान बनाते हैं निकलने का। जो हमने गलती की है वो आपको नहीं करनी चाहिए। आप अगर जाओ चाइना बोर्ड तो पानी लाजमी लेके जाना, क्योंकि वो आप वहाँ पे आपको प्यास ज़्यादा लगेगी। और आपने देखा होगा वहाँ पे चलना इतना इजी नहीं है, बहुत मुश्किल है।